पर अगर बड़े पृष्ठ पे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा 370 बीजेपी को और 400 पार एनडीए को, उसमें सबसे अहम अगर दक्षिण के राज्यों के बाद 100 सीटें वहां पर दक्षिण के राज्यों में, चार राज्य जहां बीजेपी नहीं है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उसके साथ अहम कड़ी महाराष्ट्र की 48 सीटें। यहां बाहर लोग कह रहे हैं आपके तो 20 भी नहीं आएंगे। पहले तो मैं आपको सुधार दूं कि चार राज्यों में बीजेपी नहीं है, ये जो आज आप कह रहे हैं चुनाव के बाद ये कहने पर आपको पछतावा होगा, इसलिए इस डायलॉग को चेंज कर दीजिए। देखिए, ये चुनाव ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक का चुनाव नहीं है। पॉलिटिकल अर्थमेटिक होता है 1+1 2, ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। पॉलिटिकल केमिस्ट्री में 1+1 11 होता है। देश मोदी जी के साथ निकल पड़ा है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, या सेंट्रल इंडिया हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, सब जगह लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम मोदी जी के साथ जाएंगे। तो साउथ में भी आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलने वाले हैं, और लोग चाहे जो कहे, महाराष्ट्र में हमने दो चुनाव में जो परफॉर्मेंस दिया उससे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। हमने का मतलब एनडीए, तीनों, हाँ एनडीए, उसमें बीजेपी का क्या? बीजेपी तो हमारा तो ऐसा रहा है कि पिछले बार 25 सीटें लड़े तो 24 जीते, तो हमारा तो परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा। तो अभी 32 सीटें लड़े 30 जीतेंगे? वो आपने थोड़ी तय करना है कितनी सीटें हम लड़ेंगे, वो तो हम तय करेंगे। अरे कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। आज मैंने पत्रकारों को कहा, हमारी सीटें भी पत्रकार तय कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट भी पत्रकार तय कर रहे हैं। मैंने कहा एक वो चुनाव जीतने का एक सर्टिफिकेट भी छाप के हमको दे दो, हम सरकार भी बना लेंगे। मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि 30 सीटों में 28 जीतेंगे, 32 में से 30 जीतेंगे, तो आपने पिछली बार से तो ज्यादा ही कह दिया है। बहुत सच बात बताता हूँ, बहुत सच बात। जल्दी हम बैठेंगे, सब तय करेंगे, और जो तय हुआ आपको बता देंगे। मान लिया जाए इनकी बात को, चलिए। पर देखिए, अभी इन्होंने ही बोला ना कि पिछली बार हम 25 में लड़े 24 जीते, तो अभी 25 से तो ऊपर 28 का नंबर आता है, 30 का आता है, तो मैंने 30 बोला। उतना तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, दिल मांगे मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे नेताओं को बताता हूं, पब्लिक फोरम पे नहीं बताता।